हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के बाद अचानक झारखंड की राजनीति में भूचाल आ गया। राज्य के मुख्यमंत्री ने जहां एक तरफ राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने मुख्यमंत्री को हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री को हिरासत में ले जाने से आक्रोशित आदिवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद का ऐलान किया। इधर जमशेदपुर में NSUI और झारखंड छात्र मोर्चा ने अपना आक्रोश जाहिर करते हुए जमशेदपुर स्थित विभिन्न कॉलेजों को बंद करवा दिया। बंद का नेतृत्व कर रहे छात्र नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदिवासी संगठन तो बंद किया है, बात सही, लेकिन अभी विगत दिनों से केंद्र सरकार के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बार बार ईडी की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है, तो उसको लेके आज जैसे कि कल उनको इस्तीफा भी देना पड़ गया, अरेस्टिंग तक का उनका ऑर्डर आ गया था, तो उसी को लेके आज हमारे झारखंड छात्र मोर्चा और NSY की विंग ने कॉलेज वगैरह में बंद कराने का काम किया है। हमारी मांग यही है कि शांतिपूर्वक से सब कुछ रहे और हम शांतिपूर्वक से धरना प्रदर्शन अपना जो भी है बंदी का काम कर रहे हैं और हमारा सब कुछ शांतिपूर्वक से हो रहा है। हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो हमारे मुख्यमंत्री जी को पीड़ित किया जा रहा है उसको लेकर हम लोग आज आंदोलन किए हुए हैं। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। शाश्वत तीर्थ समेत शिखर जी की वरदानी छांव तले मधुबन में परम पूज्य शंकर समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी की पावन प्रेरणा एवं परिकल्पना के अनुसार निर्मित किया जा रहा है एक अद्वितीय एवं अद्भुत मंदिर गुणायतन। पंचायतन शैली में बने इस कलात्मक मंदिर के अनोखे अनुभव केंद्र में नवीनतम तकनीक 4DX एवं 11D इफेक्ट्स के साथ 270 डिग्री स्क्रीन के माध्यम से कराया जाएगा आत्मा से परमात्मा का दिग्दर्शन। आप भी अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ पधारकर करें इस अद्भुत कार्य योजना का अवलोकन। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक गुणायतन एवं श्री सेवायतन परिवार।